कैसे हैं आप? स्वागत करता हूं ज्ञानी स्पीक्स यूट्यूब चैनल पे, मैं आपका। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आयरलैंड एंड साउथ अफ्रीका के बीच जो थर्ड ओडीआई मैच खेला जाएगा उसका इन डेप्थ एनालिसिस के बारे में, उसका ड्रीम इलेवन का टीम बनाने का हम अच्छे से कोशिश करेंगे, हर एक प्लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसे ही इन डेप्थ एनालिसिस सुनना एंड देखना आपको पसंद है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर हम सिखाते हैं कि आप ड्रीम इलेवन का टीम अपना खुद का कैसे बना सकते हैं, कौन से प्लेयर को कब लेना है, कौन से प्लेयर को कब छोड़ना है। पूरा इन डेप्थ एनालिसिस आपको इस मैच का एंड हर एक मैच का इसी वीडियोस के द्वारा मिल जाते हैं इसी चैनल पे, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना है। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में क्विंटन डिकॉक आपको दिख जाएंगे, जिनका सिलेक्शन 15% है। लास्ट मैच में नहीं खेले थे, बट लास्ट मैच में साउथ अफ्रीका बहुत ही शर्मनाक एक हार उनको मिला था। तो क्या इस मैच में क्विंटन डिकॉक वापस आ सकते हैं और खेल सकते हैं, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। और अगर खेलते हैं तो हमको तो लेना ही है, बट CVC क्या बनाना है या नहीं बनाना है, इस ग्राउंड पर उनका रिकॉर्ड कैसा है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्लस बैटिंग सेक्शन में आपको दिख जाएगा पॉल स्टर्लिंग, जिनका सिलेक्शन 50% है, मतलब आपके ओपोनेंट की टीम में हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। तो पॉल स्टर्लिंग को क्या हमें लेना है, अगर लेना है तो क्या CVC बनाना है, क्योंकि इनके बारे में हमको सबको पता है कि ये कैसे खेलते हैं, कितना कैपेबिलिटी है इनमें, CVC बनाना है या नहीं बनाना है, टीम में रखना है या नहीं रखना, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। प्लस ऑलराउंडर सेक्शन में कर्टिस कैम्फर, जो बॉलिंग भी कर लेते हैं बट लास्ट मैच में नहीं किए हैं, क्यों नहीं किए हैं और इस मैच में क्या कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो क्या हमें लेना है या नहीं लेना है, बहुत सारे सवाल हैं। प्लस बॉलिंग सेक्शन में एनरिक नॉर्किया, जो प्रीमियम फास्ट बॉलर है, 2-3 विकेट एक साथ गुच्छे में निकालते हैं, तो क्या इनका सिलेक्शन 25% जस्टिफाइड है, क्या हमें इनको लेना है या नहीं लेना है, क्या ये ट्रम्प बन सकते हैं। तो बहुत सारे ट्रम्प प्लेयर्स है इस मैच में, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो आखिर तक देखिएगा, आपको बहुत सारा इन डेप्थ नॉलेज मिलेगा, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा, खुद का टीम आप खुद बना सकोगे। तो देखो, ये मैच है आयरलैंड एंड साउथ अफ्रीका का थर्ड ODI, ठीक है। अब ये मैच खेला जाएगा 3:15 IST, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। वेन्यू है डब्लिन आयरलैंड, होम ग्राउंड आयरलैंड का ऑब्वियसली। अब ये मैच उसी ग्राउंड पे होगा जहाँ पे फर्स्ट 2 मैचेस हो चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अब देख लेते हैं ग्राउंड स्टैटिस्टिक्स। ग्राउंड स्टैटिस्टिक्स मतलब ODI मैचेस जब जब इस ग्राउंड पे हुए हैं, बैटिंग फर्स्ट ज़्यादा फेवर हुआ है या बैटिंग सेकंड, एवरेज स्कोर कितना है बैट फर्स्ट करते हुए, एंड स्कोरिंग पैटर्न क्या है, मतलब कौन से रेंज में ज़्यादातर केसेस में स्कोर्स बने हैं, मतलब 200 से कम ज़्यादा बार बना है या फिर 250 ज़्यादा बार बने हैं या फिर 290 ज़्यादा बार बने हैं, ये सब हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ODI मैचेस खेले गए हैं 15, बैटिंग फर्स्ट करते हुए 6 बार जीता गया है, बैटिंग सेकंड करते हुए 9 बार जीता गया है। तो स्ट्रेट कट यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा सा चेजिंग फेवर्ड है ये ग्राउंड, प्रोवाइडेड कि आपको अच्छा खासा स्टार्ट मिल जाए तो आप अच्छे खासे टारगेट को चेज कर सकते हो। अगर देखो 220-230 का टारगेट हुआ तो थोड़ा सा खराब स्टार्ट में भी ये ग्राउंड पे चेज हो जाता है, बट अगर 290, जैसे कि लास्ट मैच में 290+ टारगेट था और शुरू में इनका 2 विकेट गिर गया था, ठीक है, एडन मार्करम और बभूमा दोनों नहीं चले थे, तो इसलिए इनका दिक्कत हो गया था थोड़ा, एंड ये स्ट्रगल किए थे लास्ट में जाके, चेज नहीं हुआ 290 का टारगेट। बट अगर यही टारगेट 220-230 तक रहता तो पहले के 2 विकेट गिर जाने के बाद भी ये पॉसिबल था। एवरेज स्कोर बैटिंग फर्स्ट है 261, हाईएस्ट स्कोर है श्रीलंका का 377/8, लोएस्ट स्कोर है आयरलैंड का 82/10। अब स्कोरिंग पैटर्न देख लेंगे कि कौन से रेंज पे ज़्यादातर केसेस में स्कोर्स बने हैं, तो बिलो 200 बना है 4 बार, 200 and 249 के बीच में बना है 3 बार, 250 and 299 के बीच में बना है 2 बार, एंड अबव 300 भी गया है 5 बार। तो फर्स्ट बैटिंग करते हुए काफ़ी बार 300+ भी होता है, और जब जब 300+ होता है, अगर सेकेंड इनिंग में अच्छा खासा स्टार्ट नहीं मिलता तो वो चेज़ होना मुश्किल हो जाता है आखिर में, क्योंकि मिडिल ओवर्स में अच्छे खासे विकेट्स गिरते हैं, तो ये वाले चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे T20 इंटरनेशनल मैचेस का स्टैटिस्टिक्स भी देख लेते हैं ताकि हमको पता चले कि हाँ सच में क्या चेजिंग फेवर्ड होता है या फिर सिर्फ ODI मैचेस में ही होता है। तो यहाँ पे देखो, टोटल 13 मैचेस खेले गए हैं T20 इंटरनेशनल, बैटिंग फर्स्ट करते हुए 5 बार जीता गया है, बैटिंग सेकंड करते हुए 8 बार जीता गया है। एवरेज स्कोर फर्स्ट बैट है 162, जो एक रेस्पेक्टेबल स्कोर आप कह सकते हैं। हाइएस्ट स्कोर है स्कॉटलैंड का 252/3, लोएस्ट स्कोर यहाँ पे भी आयरलैंड का ही है 70/10, ठीक है। स्कोरिंग पैटर्न 150 के नीचे 6 बार बना है एंड 190 के ऊपर
ऊपर 4 बार बना है, तो दोनों ही तरह का स्कोर यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर फर्स्ट बैटिंग में अच्छा खासा स्टार्ट मिलता है, मिडिल ओवर्स में अच्छे खासे एक्सेलरेशन होता है, तो ऑब्वियसली स्कोर लास्ट मैच की तरह 290+300+ जाएगा। नहीं तो अगर शुरू में विकेट गिरते हैं या फिर मिडिल ऑर्डर में गुच्छे में विकेट गिरते हैं, मिडिल ऑर्डर में एक्सेलरेशन नहीं होता, तो ऑब्वियसली ये स्कोर आप 240-230 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अब देख लेते हैं इस ग्राउंड पे प्लेयर्स का कैसा परफॉर्मेंस रहा है। अब देखो, इस ग्राउंड पे साउथ अफ्रीका के करंट स्क्वाड से कोई भी प्लेयर पहले नहीं खेले थे इस सीरीज़ के पहले, ठीक है। और इस सीरीज़ के पहले कौन से प्लेयर का कैसा रिकॉर्ड था ये मैंने लिख के रखा है यहाँ पे। इस सीरीज़ का इंक्लूड मैंने नहीं किया है ताकि आपको पता चले कि इस ग्राउंड पे इस सीरीज़ से पहले कौन से प्लेयर का कैसा रिकॉर्ड रहता है, मतलब आयरलैंड का, ठीक है। तो यहाँ पे विलियम पोर्टरफील्ड जो इनके ओरिजिनल कैप्टन हैं, लास्ट मैच पे तो नहीं खेले थे बट उसके पहले वाले मैच में 63 किए थे, ठीक है। 11 मैचेस में 10 इनिंग्स में 315 रन, एवरेज है 31.50, बेस्ट 112 का, तो ठीक ठाक ये खेल लेते हैं इस ग्राउंड पे। फर्स्ट मैच में 63 किए थे, ये ध्यान रखना, ठीक है। बाकी एंड्री बेलबर्नी दोनों मैचेस में बेहतरीन किए हैं, फर्स्ट मैच में 60+, लास्ट मैच में तो 102, तो इस ग्राउंड पे ये बेहतरीन खेलते हैं। और इनका एवरेज देखो 30.77 है, बाकी यहाँ पे मैचेस 10 हैं, इनिंग्स 9, रन्स 277, ठीक है, ठीक ठाक खेले इस ग्राउंड पे। आप ज़रूर से इनको ट्राई कीजिएगा, सीवी से भी बना सकते हो, स्पेशली वाइल बैटिंग फर्स्ट। अब देखो, बैटिंग फर्स्ट में इनको स्कोर एक बोर्ड पे टांगना होता है, ये अच्छे से समय लेके खेल सकते हैं। बट अगर साउथ अफ्रीका बैट फर्स्ट करता है और साउथ अफ्रीका 320-330 तक बोर्ड पे टांग देता है, तो इनके ऊपर प्रेशर रहेगा चेस करने का, रन बनाने का, तो उस टाइम पे हड़बड़ी में ये आउट हो सकते हैं। तो ये वाले लॉजिक का आप ज़रूर से ध्यान दीजिएगा। अगर बैटिंग सेकंड करते हैं तो बेलबर्नी को सीवीसी बनाने से पहले 2 बार ज़रूर सोचिएगा। बाकी यहाँ पे पॉल स्टर्लिंग, जिनको मैंने दोनों ही मैचेस में नहीं रखा था शुरू का, क्यों नहीं रखा था, क्योंकि इनका एवरेज देखो 18.50 है। ये वाले चीज़ आप ज़रूर से ध्यान दीजिएगा, मैचेस 11, इनिंग्स 10, रन्स सिर्फ 185, एवरेज 18.50, बट हाईएस्ट एक मैच में 77 भी आया था, तो इस मैच में ये 77+ भी आ सकता है। तो ग्रैंड लीग में एक मैच में कैप्टन बना के ज़रूर से ट्राई करना है, अगर कैप्टन नहीं तो वीसी तो ज़रूर से बनाइएगा एक टीम में ग्रैंड लीग में, ठीक है। बाकी मैकब्राइन लास्ट मैच में तो बेहतरीन खेले थे, नंबर 3 पे आ गए थे, प्लस बोलिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, राइट आर्म ऑफ ब्रेक, तो इनको भी ज़रूर से ट्राई करना है। 4 मैचेस 2 इनिंग्स 93 रन्स सिर्फ और सिर्फ 2 इनिंग्स में, तो ज़रूर से ध्यान दीजिएगा, ये अच्छे खासे बैटिंग कर लेते हैं। लास्ट मैच में सिलेक्शन बहुत कम था एंड हमारे टीम में थे, बट इस मैच में हम ज़रूर से ट्राई करेंगे इस प्लेयर को ऑब्वियसली लेने का। मार्क अडायर जो कि डेथ ओवर्स में बॉलिंग करेंगे एंड शुरू के ओवर्स में भी बॉलिंग करेंगे एंड बैटिंग भी कर लेते हैं, नंबर 5 नंबर 6 पे आके हिटिंग करते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट पिक हो जाते हैं। अगर साउथ अफ्रीका बैटिंग फर्स्ट करता है तो और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि देखो फ्रेश पिच में इनको हमेशा से फेवर मिला है एंड अच्छा खासा आउटस्विंग करते हैं, तो शुरू में भी विकेट मिलता है इनको और डेथ में भी विकेट मिलता है, ठीक है, प्लस ये बैटिंग भी कर लेते हैं। बाकी यहाँ से जॉर्ज डॉकरेल का अगर आप देखोगे इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड, तो 8 मैचेस 4 इनिंग्स 66 रन्स, एवरेज 16.80, हाईएस्ट 25 का, उतना कुछ खास नहीं है बट ये नंबर 4 से 5 तक बैटिंग करने आ जा रहे हैं, प्लस लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बोलिंग भी कर रहे हैं और सामने काफ़ी अच्छे खासे राइट हैंड बैट्समैन हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर दोनों टॉप ऑर्डर के राइट हैंडेड बैट्समैन जानेमन मलान एंड एडन मार्करम साउथ अफ्रीका के तरफ से। नंबर 3 पे आ जाएंगे टेम्बा बभुमा, वो भी राइट हैंडेड बैट्समैन, 4 पे रजीव एंडर डसन, वो भी राइट हैंड बैट्समैन, तो बहुत सारे टॉप ऑर्डर में राइट हैंडेड बैट्समैन हैं जिनके सामने एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर इफेक्टिव साबित हो सकते हैं और ये काफ़ी अच्छे खासे फ्लाइट देते हैं, तो सेकेंड इनिंग में इनको हेल्प भी मिलता है, ठीक है। तो इस हिसाब से जॉर्ज डॉकरेल को ज़रूर से ट्राई करना, लास्ट मैच में 49 किए थे विद द बैट, तो ऑब्वियसली ट्राई करना है, ठीक है। बाकी बॉलर्स जो इस ग्राउंड पे अच्छे खासे करते हैं, बैरी मैकार्थी तो लास्ट मैच में नहीं खेले थे, 7 मैच में 13 इनिंग है इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे ओडीआई मैचेस में, ठीक है, बेस्ट है 4 for 62, तो अगर खेलते हैं तो ज़रूर से ध्यान रखना, स्मॉल लीग में भी ट्राई करना है, ग्रैंड लीग में भी ट्राई करना है। बाकी क्रेग यंग लास्ट मैच में भी विकेट निकाले थे अच्छा खासा, 5 मैच में 4 इनिंग एंड 11 विकेट्स, बेस्ट है 5 for 46, तो ऑब्वियसली राइट आर्म मीडियम है, काफ़ी अच्छे खासे आउटस्विंग करते हैं। शुरू में जानेमन मलान ने एडन मार्करम को बीट भी किया था अपने स्विंग से, एज नहीं लगा था नहीं तो शुरू में ही आउट हो जाते वो दोनों। बाकी जे लिटिल, जोशुआ लिटिल तो जरूर से ट्राई करना है, लेफ्ट आर्म मीडियम बॉलर हैं, ठीक है, लेफ्ट आर्म मीडियम, मिचेल स्टार्क, मोहम्मद आमिर की तरह, ठीक है, इरफान पठान की तरह,
मैचेस टू, इनिंग्स टू, 5 विकेट है इस ग्राउंड पे ओडीआई मैचेस में, बेस्ट 4/45। और ये सारा का सारा स्टैट्स मैं दिखा रहा हूँ ये जो पहले के 2 मैचेस हुए हैं उससे पहले, ठीक है, ये सीरीज से पहले, ताकि आपको पता चले कि इस सीरीज से पहले कौन से प्लेयर का रिकॉर्ड कैसा है इस ग्राउंड पे, ठीक है। इस सीरीज का तो आप स्कोर कार्ड देख ही लोगे, चाहे क्रिकबर्ड से देखो या फिर फैन कोर्ट से देखो, कहीं से भी देखो, ठीक है। ये बाकी यहाँ पे एंड्री मैकब्राइन आपको दिख जाएंगे, 4 मैचेस 4 इनिंग 3 विकेट, बेस्ट है 2/36। तो चलिए लास्ट मैच का स्कोर कार्ड हम ही थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे पॉल स्टर्लिंग, जैसे कि मैंने बताया इनका एवरेज इस ग्राउंड पे उतना कुछ खास नहीं है, स्टैटिस्टिक्स कुछ खास नहीं बता रहा था, तो फर्स्ट 2 मैचेस में हमने पॉल स्टर्लिंग को छोड़ के गए थे, जिनका सिलेक्शन तब 90% 95% था, बहुत से टीम के वाइस कैप्टन भी थे, तो ऑब्वियसली लॉजिक हमेशा काम करता है, वीडियो को इसलिए अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है। अब पॉल स्टर्लिंग का क्या है, देखो पॉल स्टर्लिंग का फिर अच्छे खासे तरीके से शुरू में पेसर्स को हिट कर रहे थे, चाहे नॉर्किया हो, चाहे रबाडा हो, चाहे जो भी हो, ठीक है, फिलिकवायो, काफ़ी अच्छे खासे तरीके से हिट कर रहे थे क्योंकि इनको पेस पसंद है। बट सामने जब भी केशव महाराज आए, ठीक है, वो एज फॉर दैट मैटर शामशी भी आए, तो वो उतना कंफर्टेबल नहीं लगे थे, स्पेशली केशव महाराज को मिड विकेट के तरफ मारने जा रहे थे, और केशव महाराज ने क्या किया, बॉल को स्लो कर दिया और बॉल को मिस कर गए, बोल्ड हो गए। तो ऑब्वियसली पॉल स्टर्लिंग का थोड़ा सा स्पिन के सामने दिक्कत है, स्पेशली एक राइट हैंड बैट्समैन होके एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर के सामने दिक्कत रहना ही चाहिए, एंड उनके साथ वैसा ही हुआ, ठीक है। तो पॉल स्टर्लिंग को ट्राई करना है या नहीं करना है आपके ऊपर है, 50% सिलेक्शन आप ट्राई कर सकते हो रिस्क लेके, अगर बैटिंग फर्स्ट होता है तो ऑब्वियसली, बैटिंग सेकंड में मैं उनको उतना प्रेफर नहीं करता, अगर शुरू में साउथ अफ्रीका अच्छा खासा टारगेट बोर्ड पे टांग देता है तो उस प्रेशर में आके वो आउट हो सकते हैं, और उनका रिकॉर्ड भी इस ग्राउंड पर उतना कुछ खास नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी विलियम पोर्टरफील्ड तो लास्ट मैच में नहीं खेले थे, जो कि पहले वाले मैच में ओपन किए थे, बट लास्ट मैच में एंडी बेलबर्नी जो कि उनके कैप्टन हैं वो ओपन किए थे पॉल स्टर्लिंग के साथ, 102 रन बनाए थे, बहुत अच्छे खेले थे बैटिंग फर्स्ट में। इस मैच में भी आप ट्राई कीजिएगा एंड सीरीज़ बनाइएगा, ठीक है। बाकी एंडी मैकब्राइन को नंबर 3 पे भेजा गया था, क्योंकि शुरू में काफ़ी अच्छा खासा स्टार्ट मिला था, तो ये 30 रन कर गए थे एंड काफ़ी अच्छे खासे बैटिंग किए थे, ठीक है। बाकी ये बॉलिंग भी करेंगे राइट आर्म ऑफ ब्रेक, तो इनको ज़रूर से ट्राई करना है, नंबर 3 पे बैटिंग प्लस 8 से 9 ओवर या फिर 10 ओवर बॉलिंग करेंगे, ठीक है, मैं बॉलिंग कार्ड भी इनको दिखाऊंगा। बाकी हैरी टेक्टा वाइल बैटिंग फर्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे टच में लगे थे, और आयरलैंड का जो प्रोविजनल ODD कप होता है वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे खासे फॉर्म में थे, तो उस फॉर्म को ये कंटिन्यू रखे हैं, एंड सेकेंड ODI में 79 रन्स का कॉन्ट्रीब्यूशन दिए थे राइट हैंडेड बैट्समैन, ठीक है। जॉर्ज डॉक्रेल 45 रन्स का कंट्रीब्यूशन दिए थे, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है एंड बहुत अच्छे खासे तरीके से हिटिंग किए थे, चाहे रबाडा हो सामने, फिलिकवायो हो, शामशी हो, काफ़ी अच्छे खासे तरीके से हिट किए थे, एंड सिर्फ 23 बॉल्स पे 45, लास्ट में जो एक्सेलरेशन हुआ था 250 से 290 के बीच में वो इन्हीं के द्वारा हुआ था। बाकी मार्क अडायर नीचे आके तो बैटिंग कर लेते हैं बट उतना मौका नहीं मिला लास्ट मैच में, उतना बॉल्स नहीं थे इनके बैटिंग करने को, ठीक है। बाकी साउथ अफ्रीका का बॉलिंग कार्ड देख लेते हैं, तो कागिसो रबाडा 10 ओवर्स 58/1, एनरिक नॉर्किया 10 ओवर 64/none, लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला बट इनसे इनको जज मत कीजिएगा, ये बहुत अच्छे बॉलर हैं, अपने टीम में ज़रूर से रखिएगा, स्पेशली वाइल बॉलिंग फर्स्ट, ठीक है, स्पेशली वाइल बॉलिंग फर्स्ट, बॉलिंग सेकंड में भी आप ज़रूर से रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं गारंटी लेता हूँ। बाकी एंडल फिलिकवायो 10 ओवर 73/2, काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर ऑप्शन है, आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। केशव महाराज 10 ओवर 50/1, तबरेज शमशी 10 ओवर 42/1। बाकी जब साउथ अफ्रीका बैटिंग करने आए शुरू में काफ़ी अच्छे खासे मार्जिन से बीट हुए थे मार्क अडायर एंड क्रेग यंग, जो कि दोनों ही अच्छे खासे आउटस्विंग करते हैं, तो ऑब्वियसली शुरू में जानेमन मलान एंड एडियन मार्करम को जो है प्रॉब्लम हुआ था, बट एडियन मार्करम एक ऊपर खेलने के चक्कर में, मतलब एक ऊपर छक्का मारने के चक्कर में बैट के एज लग गया और टॉपेज हो गया एंड ईजिली आउट हो गए। बाकी जानेमन मलान काफ़ी अच्छे खासे तरीके से खेल रहे थे। अब जानेमन मलान को देख के ना उस मैच में मुझे जॉनी बैरिस्टो का याद आ गया, क्योंकि वो उतना फिट मूवमेंट नहीं दिखा रहे थे बट हाथ का एंड रिस्ट का यूज़ करके छक्का मार रहे थे, चौका मार रहे थे मिड विकेट पे, लॉन्ग ऑन पे, ठीक है, एंड वो लेग साइड पे, तो वो जॉनी बैरिस्टो के तरह खेल रहे थे एंड ड्वेन स्मिथ के तरह खेल रहे थे, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन था। तो जानेमन मलान अच्छे खासे टच में दिखे, आप ज़रूर से ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ 8 क्रेडिट में आपको ड्रीम इलेवन में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी टेम्बा बबूमा कैप्टन है, इस ग्राउंड पे इनका 100 ऑलरेडी है जितना मुझे याद है, तो आप इनको ज़रूर से ट्राई कर सकते हो, इस मैच में कमबैक कर सकते हैं, टेम्बा बबूमा का ध्यान रखना। पहले मैंने बताया एनरिक नॉर्किया वाइल बॉलिंग फर्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस इस मैच में टेम्बा बबूमा का भी बता रहा हूँ, अगर बैटिंग फर्स्ट करते हैं तो ज़रूर से ध्यान रखना, ज़रूर से ध्यान रखना, बैटिंग सेकेंड में भी एक दो टीम में ग्रैंड लीग में ट्राई करना, बट बैटिंग फर्स्ट में तो ऑब्वियसली, ठीक है।
बाकी रेसी वेंडर डसन काफ़ी अच्छे टच में है। लास्ट वाला जो सीरीज़ ये खेले थे उस ODI सीरीज़ पे भी काफ़ी अच्छा खासे किए थे, लास्ट मैच में 49 किए थे, ध्यान रखिएगा। बाकी काइल वर्न है, इनके विकेट कीपर है, इनके विकेट कीपर को ही आप ट्राई कीजिएगा क्योंकि आयरलैंड का जो विकेट कीपर है बहुत नीचे आते हैं बैटिंग ऑर्डर में, उतना सुइटेबल नहीं है, ठीक है। बाकी एंडल फिलिकोवायो बॉलिंग्स भी करेंगे बैटिंग भी करेंगे तो ट्राई करना है। केशव महाराज को आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, बाकी इस पिच पे उतना स्पिनर्स को हेल्प नहीं मिलता, हाँ सेकेंड इनिंग में मिलता है, फर्स्ट इनिंग में उतना नहीं, ठीक है। बाकी एनरिक नॉर्किया 10 रन किए थे, तबरेज़ शामसी 0। अब आयरलैंड का बॉलिंग कार्ड देख लेंगे तो क्रेग यंग राइट आर्म मीडियम 10 ओवर तो नहीं कर पाए, 8 ओवर किए थे 34/1। मार्क अडायर डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हैं, डेथ ओवर्स में ही इनको 2 विकेट मिला था। 8.3 ओवर्स 1 मेडन 43/2, 5 का इनका इकोनॉमी था। जॉश लिटिल लेफ्ट आर्म मीडियम 10 ओवर्स कंप्लीट किए थे अपना 45/2। सिमी सिंह जो कि राइट आर्म ऑफ ब्रेक हैं 8 ओवर्स 44/1, आप इनको ग्रैंड लीग में ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, अगर शुरू में कोलैप्स होता है ना आयरलैंड का, ठीक है, तो ये नीचे आके अच्छे खासे बैटिंग कर सकते हैं मिडिल ऑर्डर में, प्लस ये बॉलिंग भी करते हैं, तो ग्रैंड लीग में एक दो टीम में VC बना दीजिएगा ऐसे सोच के कि आयरलैंड का शुरू में कोलैप्स होगा तो आयरलैंड का टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को आपको नहीं लेना है, जैसे कि पॉल स्टर्लिंग एंडी वेलबर्नी, ठीक है, ये सारे प्लेयर्स को नहीं लेना है। हैरी टेक्टर को भी आप चाहो तो छोड़ सकते हो, उस हिसाब से आप मैकब्राइन को ले लीजिएगा, उस हिसाब से आप डॉक्टेल को ले लीजिएगा, उस हिसाब से आप सिमी सिंह को ले लीजिएगा, मार्क अडायर को ले लीजिएगा कि ये मिडिल ऑर्डर में आके संभालेंगे। कर्टिस कैम्फर भी उस टाइम पे बहुत अच्छे पिक हो जाएंगे क्योंकि वो सिर्फ बैटिंग करेंगे, बॉलिंग नहीं करेंगे ड्यू टू इंजरी, ठीक है, तो कर्टिस कैम्फर एज ए बैट्समैन खेलेंगे और एज ए बैट्समैन वो कॉन्ट्रीब्यूट करने का कोशिश करेंगे, तो ज़रूर से आपको ट्राई करना है। बाकी जॉर्ज डॉक्टेल 7 ओवर्स किए थे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स 37/1। एंडी मैकब्राइन जो कि नंबर 3 पे आ गए थे प्लस राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग 7 ओवर्स 34/2, तो बहुत अच्छे वाइस कैप्टन ऑप्शन या फिर कैप्टन ऑप्शन भी आप कह सकते हैं एंड्री मैकब्राइन। तो देखो ऑलराउंडर सेक्शन में आपको दिख जाएगा क्विंटन डिकॉक, हेनरिच क्लासन, लॉर्कन टकर एंड काइल वराने। काइल वराने मुझे नहीं लगता इस मैच में खेलेंगे, डायरेक्टली क्विंटन डिकॉक आ सकते हैं अगर वो फिट है तो। इस मैच में मुझे नहीं लगता क्रिकेट साउथ अफ्रीका उतना रिस्क लेंगे, तो क्विंटन डिकॉक अगर खेलते हैं तो मेरे टीम में होंगे, मैं फिलहाल क्विंटन डिकॉक को लेके ही टीम बना रहा हूँ, ठीक है। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में हमने ले लिया क्विंटन डिकॉक को, अब जाते हैं बैटिंग सेक्शन में। बैटिंग सेक्शन में पहले लेना है आपको यहाँ से एंडी वेलबर्नी जो कि लास्ट दो मैचेस में बेहतरीन टच में दिखे हैं, स्पेशली वाइल बैटिंग फर्स्ट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक मैच में 65, एक मैच में 102 लेना ही है, VC भी बना सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ से टेम्बा बभूमा को मैं ट्राई करूँगा जिनका इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड ठीक ठाक है, एक मैच में ऑलरेडी 100 लगा चुके अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं टेम्बा बभूमा के ऊपर रिस्क लेना पसंद करूँगा। बाकी यहाँ से राजीव एंडर डसन को मैं ट्राई करने का कोशिश करूँगा जो कि नंबर 4 पे आके बेहतरीन खेल रहे हैं और लास्ट ODI सीरीज़ में भी बहुत अच्छे फॉर्म में थे एंड काफ़ी अच्छे खेल रहे हैं, तो यहाँ पे मैं इनको ट्राई करने का कोशिश करूँगा। बाकी मैं फिलहाल अभी 3 ही बैट्समैन के साथ गया हूँ, मैं पहले ऑलराउंडर सेक्शन में देखूँगा कि मैं मुझे 2 ऑलराउंडर लेना है, 5 बॉलर लेना है या फिर 3 ऑलराउंडर लेना है, 4 बॉलर लेना है, फिर मैं उस हिसाब से बैट्समैन देखूँगा, ठीक है। बाकी ऑलराउंडर सेक्शन में एंड्रे फिलिकोवायो ज़रूर से लेना है, बाकी यहाँ से जॉर्ज डॉक्टेल ज़रूर से लेना है, नंबर 4-5 तक बैटिंग प्लस 7-8 ओवर बॉलिंग, ठीक है। और यहाँ पे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर का कितना इंपॉर्टेंस है मैंने पहले ही बताया। बाकी यहाँ से मैं मार्क अडायर को लूँगा जो डेथ ओवर्स में बॉलिंग करेंगे प्लस नंबर 6 तक बैटिंग करने आ जाएंगे प्लस शुरू में भी बॉलिंग करेंगे, तो वाइल बॉलिंग फर्स्ट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि देखो फ्रेश पिच पे जैसा कि मैंने बताया क्योंकि उनका हेल्प मिलता है, स्विंग मिलता है, तो शुरू में भी आउट कर सकते हैं प्लस डेथ ओवर्स में भी डालेंगे तो वहाँ पे भी आउट कर सकते हैं, प्लस ये लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे फील्डिंग करते हैं तो कैचेस भी दे सकते हैं, प्लस ये बैटिंग भी कर लेते हैं नंबर 6 पे, काफ़ी अच्छे खासे हिट लगा के 25-30 रन कर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, तो बहुत अच्छे खासे पॉइंट्स दे सकते हैं। सिर्फ 36% सिलेक्शन है, बट सिलेक्शन पे मत जाइएगा, लॉजिक पे जाइएगा, ठीक है। बाकी बॉलिंग सेक्शन में कगिसो रबाडा मस्ट पिक, जोशुआ लिटिल वाइल बॉलिंग फर्स्ट में ज़्यादा प्रेफर करूंगा, बाकी यहाँ से एनरिक नॉर्किया वाइल बॉलिंग फर्स्ट, अगर साउथ अफ्रीका बॉलिंग फर्स्ट करता है तो मैं फिर से एनरिक नॉर्किया को इस मैच में लूंगा, ठीक है। बाकी मैकब्राइन को तो लेना ही है क्योंकि ये बैटिंग भी करेंगे नंबर 3 पे, राइट आर्म ऑफ ब्रेक भी कर लेते हैं 7-8 ओवर, तो ऑब्वियसली मैं इनको लूंगा, CVC भी बनाऊंगा। बाकी यहाँ से क्रेग यंग को मैं ट्राई करने का कोशिश करूंगा, अगर बॉलिंग फर्स्ट करता है तो आयरलैंड, अगर बॉलिंग सेकंड करता है तो मैं शायद इनको ना लूँ, बाकी ये बैटिंग भी कर लेते हैं 10-15 रन बना जाएंगे, ठीक है।
बाकी नीचे से अगर लुंगी एंगिडी खेलते हैं इस मैच में तो आप ज़रूर से ट्राई कर सकते हो, क्योंकि देखो इस मैच में साउथ अफ्रीका चेंजेस करेगा, एटलीस्ट करना चाहिए मेरे लॉजिक के हिसाब से, क्योंकि फर्स्ट मैच बहुत बुरी तरीके से हारे थे। फर्स्ट मैच मतलब टेक्निकली ये सेकेंड मैच है, बट एक्चुअली कम्प्लीट जो हुआ है वो फर्स्ट मैच है। तो ऑब्वियसली इस मैच में साउथ अफ्रीका कमबैक करने का कोशिश करेगा, 1-1 करने का कोशिश करेगा सीरीज़। तो लुंगी एंगिडी एंड क्विंटन डिकॉक जैसे बड़े प्लेयर आप खेलते हुए दिख सकते हैं, ठीक है। बाकी बैरी मैकर्थी को भी अगर मौका मिलता है तो काफ़ी अच्छे खासे कर सकते हैं। मुझे लगता है आयरलैंड भी एरी चोटी का जोर लगाएगा इस मैच में आप सीरीज़ को अपने नाम करने के लिए। तो ऑब्वियसली बैरी मैकार्थी ऑब्वियसली इस मैच में खेलना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी आयरलैंड एक अनचेंज प्लेइंग 11 के साथ भी जा सकता है, क्योंकि लास्ट मैच वो जीत के आ रहे हैं, ठीक है। बाकी यहाँ से मेरा हो गया एक विकेट कीपर, 3 बैट्समैन, 3 ऑलराउंडर एंड 2 बॉलर। अभी मेरे पास 2 प्लेयर्स को लेने का जगह है, तो मैं यहाँ से स्ट्राइक करने का कोशिश करूँगा जानेमन मलान को, जो लास्ट मैच में काफ़ी अच्छे खासे टच में दिखे थे, तो मैं ऑब्वियसली उनको ट्राई करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। बाकी यहाँ से अगर आप चाहो तो पॉल स्टर्लिंग या फिर विलियम पोर्टरफील्ड अगर खेलते हैं तो मैं ज़रूर से विलियम पोर्टरफील्ड को लूँगा इस मैच में, ठीक है, क्योंकि इनका रिकॉर्ड इस ग्राउंड पर काफ़ी अच्छे खासे हैं, 10 से 11 इनिंग्स खेल चुके हैं, उनको पता है कि एक पिच कैसा बिहेव करता है एक्चुअली, तो वो अच्छे से खेल सकते हैं। फर्स्ट मैच में 65 किए थे, याद है ना, तो उनको ज़रूर से लेना है अगर पोर्टरफील्ड खेलते हैं तो, ठीक है। बाकी बॉलिंग सेक्शन में एक प्लेयर का प्लेस अभी खाली है, वहाँ पे देखो कब कौन से प्लेयर को ट्राई करना है ये कैसे मैं आपको समझाता हूँ। आयरलैंड अगर बॉलिंग फर्स्ट करता है तो जॉश लिटिल को ट्राई कर लेना, ठीक है, तो आपको 11 प्लेयर कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर साउथ अफ्रीका बॉलिंग फर्स्ट करता है तो एनरिक नॉर्किया को ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है, 25% सिलेक्शन है, कोई बात नहीं, आप ट्राई करेंगे, मैं आपको कह रहा हूँ ट्राई करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आयरलैंड बॉलिंग फर्स्ट करता है तो जॉश लिटिल डेथ ओवर्स में डालेगा तो अच्छे खासे विकेट्स निकाल सकते हैं, और अगर साउथ अफ्रीका बॉलिंग फर्स्ट करता है तो कगिस और अबाडा के साथ साथ एनरिक नॉर्किया डेथ ओवर्स में डालेगा तो अच्छे खासे विकेट्स निकाल सकता है। अब देखो एक दो मैच ऐसे आ सकते हैं जब एक मेन बॉलर को भी विकेट नहीं मिलता, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये अच्छे बॉलर नहीं है और इनको ट्राई नहीं करना है। तो ऑब्वियसली हम एनरिक नॉर्किया को बैक करेंगे, IPL से इनका काफ़ी अच्छा खासा फॉर्म लगा हुआ है, आपको भी पता है मुझे भी पता है इनके कैलिबर के बारे में। बाकी यहाँ से और कोई प्लेयर मतलब हम ट्राई नहीं कर सकते हैं, 11 प्लेयर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। मेरा जो फिलहाल टीम कॉम्बिनेशन बन रहा है वो फिलहाल ऐसा बन रहा है जहाँ पे मैंने क्विंटन डिकॉक के साथ साथ जानेमन मलाल को ट्राई किया है। अगर इंडियन मार्करों को रेस्ट दिया जाता है तो ऑब्वियसली क्विंटन डिकॉक आएंगे, और अगर आएंगे तो ओपनिंग करेंगे। अगर जानेमन मलान को रेस्ट दिया जाता है तो मैं जानेमन मलान की जगह क्विंटन डिकॉक को ले लूँगा, ठीक है। बाकी ऐसे बेलबर्नी को मैं ट्राई किया है, पॉल स्टर्लिंग को मुझे लेने का मन नहीं है क्योंकि इनका एवरेज इस ग्राउंड पर उतना कुछ खास नहीं है। बाकी इस मैच में 100 भी कर सकते हैं, बट मैं लास्ट के 2 मैचेस में भी लॉजिक के साथ गया था, पॉल स्टर्लिंग को छोड़ा था, मुझे फ़ायदा मिला था, इस मैच में भी मैं वही करने वाला हूँ, ठीक है। बाकी जॉर्ज डॉक्ट्रेल, मार्क अडायर, एंडी मैकब्राइन, मैंने इन तीनों को लिया है जो कि बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूशन देंगे। आप चाहो तो सिमी सिंह को भी ले सकते हो, वो भी बैटिंग कर लेते हैं नीचे आके। बाकी कगिस और अबाडा, एनरिक नॉर्किया एंड एनिला फिलिकोवायो, ये 3 मेरे बॉलर होंगे क्योंकि इस ग्राउंड पे पेसर्स को ज़्यादा हेल्प मिलता है, तो ऑब्वियसली मैं पेसर्स के ऊपर ही साउथ अफ्रीका का ज़्यादा भरोसा दिखाया है। बाकी CVC अगर आप मुझसे पूछोगे, डिकॉक अगर खेलते हैं प्लेइंग 11 में तो ऑब्वियसली मेरे कैप्टन डिकॉक हो सकते हैं, या फिर जॉर्ज डॉक्रेल, या फिर यहाँ से वाइस कैप्टन में दे सकता हूँ एंडी मैकब्राइन को, ठीक है। वाइस कैप्टन या कैप्टन में से ये 3 पिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अगर मैं फिर से आपको दिखाऊँ तो जॉर्ज डॉक्रेल, यहाँ से एंडी मैकब्राइन, यहाँ से क्विंटन डिकॉक एंड फॉर दैट मैटर एंडी बेलबर्नी, बहुत अच्छे CVC पिक ये चारों हैं। अगर साउथ अफ्रीका बैट फर्स्ट करेगा तो मैं शायद क्विंटन डिकॉक के साथ साथ एंडी मैकब्राइन को दूंगा। अगर आयरलैंड बैट फर्स्ट करेगा तो शायद मैं एंडी बेलबर्नी के साथ साथ यहां से एंडी मैकब्राइन को देने का कोशिश करूंगा। तो मेरा कैप्टन वाइस कैप्टन का कुछ ऐसा सिलसिला रहेगा डिपेंडिंग ऑन द टॉस रिपोर्ट, क्योंकि मैं टॉस रिपोर्ट के बाद यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाल सकता, तो ऑब्वियसली आप खुद से चेंज कर लीजिएगा। मैं सब कुछ आपको डिटेल में समझा चुका हूँ, कौन से प्लेयर को कब लेना है, क्यों लेना है, और कौन से प्लेयर को कब नहीं लेना है और क्यों नहीं लेना है, ठीक है। तो होपफुली वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए और ऐसे समझाने के लिए।